चर्च में आकर क्या किसी व्यक्ति को दारू पीना सिखाया जाता है या उसको व्यभिचार करना सिखाया जाता है या कोई गंदी बात सिखाई जाती है? चर्च में आके लोगों का जीवन बदलता है सर? लॉ तो बहुत सारे पास हो रहे हैं पास्टर्स के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, चर्चेस बंद किए जा रहे हैं, चर्चेस को आग लगाई जा रही है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर धर्म की राजनीति की जा रही है। हमारे देश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, हमारे देश में ढेरों समस्याएं हैं, लोग तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं किसी को, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं लोगों को, सड़कें खुदी पड़ी हैं, हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बोलते हैं सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर गड्ढे हैं, उसका कोई लॉ नहीं है। कौन इंजीनियर ने बताया, कितने नेताओं ने पैसे खा लिए, कौन क्या करता है, उसका कोई लॉ नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता है, जिसके लिए आर्टिकल 25 हमको अधिकार भी देता है कि हम अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके लिए हमें खुली आज़ादी है, पर उसके लिए हमें रोका जाता है, खराब बोला जाता है, उसके लिए लॉ निकाले जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जेल के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जितने रेप केसेस हो रहे हैं उनका आप क्या कर रहे हैं? जितनी चीज़ें जो खराब हो रही है उनका आप क्या कर रहे हैं? उनके विषय में कोई लॉ नहीं है आपके पास? चर्च में आकर क्या किसी व्यक्ति को दारू पीना सिखाया जाता है या उसको व्यभिचार करना सिखाया जाता है या कोई गंदी बात सिखाई जाती है? चर्च में आके लोगों का जीवन बदलता है सर? आप कैसा कानून ला रहे हैं? मुझे नहीं पता आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, पर अगर यही चलता रहा तो हमारा देश कुछ ही दिनों में बहुत बुरी दशा में चला जाएगा। इसलिए अपने देश को अगर सुधारना चाहते हैं तो इस बात को सही करिए। अपने देश में जहाँ पर लोग बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो अब वो चीज़ कहाँ गई? अब उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं प्रेम दिखाया जा रहा है? सबको आज़ादी अपने घर पर प्रार्थना करने की, आप कौन होते हैं इस चीज़ को रोकने वाले? हमें इस बात के लिए स्टैंड लेना होगा, और मसीहों में आपको कहना चाहता हूँ इस चीज़ को हर एक मसीह भाई को टैग करिए, आप उनको बताइए, एनकरेज करिए, ताकि इन सब चीज़ों से डरे नहीं, अपने विश्वास में बढ़े और मजबूत हो। क्योंकि कोई भी सल्तनत, कोई भी राजा, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, वो परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता, और अगर रोकने की कोशिश करेगा।